हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हमारा साइंस का, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। और उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था उसमें रिगिडिटी एंड फ्लूडिटी तक, ठीक है। आज जो हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो यानी कि आज हमें ये पढ़ना है कि हम मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में किस तरह बांटते हैं, ठीक है। तो आज हमें यहां से स्टार्ट करना है। तो देखेंगे, आज हमें बस क्लासिफिकेशन करनी है ऑफ मैटर बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एक एक करके हम बात करते हैं सारे टॉपिक्स, इसके सारे पॉइंट्स के बारे में कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो सबसे पहला डिफरेंस है ना इनके बीच में, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सॉलिड जो होते हैं इनका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। हिंदी में कहें तो आकार, ठीक है, साइज हो गया आकार, आकृति और आयतन, ठीक है। तो शेप, साइज, वॉल्यूम सॉलिड के फिक्स होते हैं। लिक्विड, लिक्विड में शेप एंड साइज आर नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। इसमें शेप साइज तो फिक्स नहीं होता पर वॉल्यूम फिक्स होता है। और तीसरी बात करें हम गैस की, तो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर नॉट फिक्स्ड। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। आप खुद ही सोचिए, आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। मेरे पास मान लो ये अभी फिलहाल मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर, तो ये एक सॉलिड शेप में है, ठीक है। इसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो रखे रखे ये अपना ना ही शेप चेंज करता है, ना ही अपना साइज चेंज करता है और ना ही अपना वॉल्यूम चेंज करता है। अगर मैं इसको एक जगह रख दूं, मान लो मैंने यहां पर रख दिया है, तो क्या यहां पर रखे रखे इसमें अपना शेप, साइज, वॉल्यूम ये इसका कुछ चेंज होगा? तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अपने आप शेप, साइज या वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, चाहे हम इसको कहीं भी रख दें। आप इसको एक ग्लास में डाल दो तब भी ये ऐसे ही दिखाई देगा, जमीन पर रख दो तब भी ऐसे ही दिखाई देगा, कहीं और रख दो तब भी ऐसे ही दिखाई देगा। पर लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड को आप जिस बर्तन में डालते हो वो उसका शेप ले लेता है, यानी कि लिक्विड का शेप और साइज फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी इसका साइज का मतलब क्या है? आकार मतलब कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, मतलब क्यूबॉइडल है, क्यूबिकल है, सिलेंड्रिकल है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो तो लिक्विड को रखने वाले बर्तन पे डिपेंड करेगा कि आप लिक्विड किस बर्तन में रख रहे हैं, ठीक है ना। जिस बर्तन में आप लिक्विड को रखेंगे वो उसका शेप या साइज ले लेगा। पर हां, इसमें भी एक चीज फिक्स होती है, वो होती है उसकी वॉल्यूम। कि अगर आपने 1 लीटर लिक्विड लिया है कोई सा, तो वो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे आप किसी भी बर्तन में डाल दो, किसी भी यूटेंसिल में, किसी भी वेसल में डालोगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना आपने लिया था। 1 लीटर लिया था तो 1 लीटर ही रहेगा, ना ही उससे ज्यादा होगा ना ही उससे कम होगा। यानी शेप और साइज बदल जाएंगे, जैसे अपने उसका कंटेनर बदलोगे तो कंटेनर के हिसाब से उसका शेप और साइज बदल जाएगा, पर वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। पर जहां हम बात करते हैं गैस की, तो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना इसका शेप फिक्स होता है, ना साइज, ना वॉल्यूम। यानी कि अगर आप इसको जिस बर्तन में डाल दो वो उसका शेप भी ले लेता है, उसका साइज भी ले लेता है और उसका वॉल्यूम भी ले लेता है। आप खुद सोचें कि अगर कोई गैस है उसको आप छोटे से कंटेनर में कैद करेंगे तो वो उतने में भी रह जाएगा,
और आप उसको पूरे कमरे में फैलाना चाहेंगे तो वो उसमें भी आ जाएगा। आपके घर में रूम स्प्रे आता है, परफ्यूम आता है, बहुत चीज़ें आती हैं, होने को वो इतने से डिब्बे के अंदर भी बंद होते हैं, ठीक है। और आप जैसे उसको स्प्रे करते हैं उसकी स्मेल जो होती है पूरे घर में फैल जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम इतना सा भी हो सकता है और उसका वॉल्यूम इस पूरे कमरे के बराबर भी हो सकता है, यानी कि गैस का वॉल्यूम कभी फिक्स नहीं होता। शेप साइज तो पहले से फिक्स नहीं होता, जिसमें जिस भी कंटेनर में आप उसको डाल दो वो उसी का शेप ले लेगा, साइज ले लेगा, और तीसरा इसका वॉल्यूम भी ले लेगा, ठीक है। ये जैसे आप अगर अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो एक कोने में अगर अगरबत्ती जला के उसको किसी चीज़ से ढक देते हैं तो जिस चीज़ में आप ढक देंगे ना उसके अंदर ही उसकी स्मेल घूमती रहेगी, और जैसे आप उस ढक्कन को हटाएं तो धीरे धीरे वही जो गैस है वो पूरे कमरे में भी फैल सकती है। यानी कि गैस जो है एक छोटी सी जगह में भी रह सकता है और बहुत बड़ी जगह में भी फैल सकता है। तो यानी कि गैस का ना ही शेप फिक्स होता है, ना ही साइज फिक्स होता है, और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये है इनके बीच का पहला डिफरेंस। अब बात करते हैं इनके दूसरे डिफरेंस की। तो दूसरा डिफरेंस इनके बीच में ये है कि सॉलिड जो होता है, हमने इसकी बात करी थी कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मैंने पिछली क्लास में आपको सॉलिड के पार्टिकल बना के दिखाए थे कि भाई इसके पार्टिकल के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, ठीक है। तो यानी कि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं आपस में। लिक्विड के पार्टिकल्स आर क्लोज, ये वेरी क्लोज है, उसमें आप लिखेंगे सिर्फ क्लोज, ठीक है ना, कि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा ज्यादा पास हैं, और इसके पार्टिकल पास में हैं, और इसमें लिखेंगे पार्टिकल्स आर फार अवे, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा ज्यादा दूर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, ये सब चीजें इनके कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करती है, मैंने बताया था आप लोगों को उसके बारे में भी, ठीक है। तो आप ये बात भी लिख सकते हैं कि इसका जो सॉलिड के अंदर क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच में लगता है, एक ही मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। आप उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे किसी एक एलिमेंट के, तभी तो वो आपस में जुड़ के रहेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने बात करी थी, तो हम उसको कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है सॉलिड का, उसी की वजह से इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोजली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इनके बीच में एकदम नेग्लिजिबल स्पेस होता है और बहुत आपस में पास पास रहते हैं। इसका कारण यही है कि इनके बीच में बहुत स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। फिर लिक्विड के बीच में जो होता है वो स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स, इसमें वेरी स्ट्रांग लिखेंगे, इसमें स्ट्रांग लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे वीक कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया तीसरा। अब हम और आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे तो जगह बचे नहीं, हम इसके आगे और बात करते हैं। ये आप नोट करते रहें, यही आपको चीजें लिखनी है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं आप इनको कि द शेप साइज ऐसे लिख सकते हैं। इसको पूरा मैं अगर डिफाइन करूं, अगर आपको जैसे पेपर में कैसे लिखेंगे उस हिसाब से बोलूं, तो द शेप साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नॉट फिक्स्ड, द शेप साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आर not
फिक्स्ड। अब यहां बोलेंगे सेप साइज एंड वॉल्यूम ऑफ, सेप साइज ऑफ, सेप एंड साइज ऑफ लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ऐसे लिख सकते हैं। और आप यहां लिखेंगे सेप साइज एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर नॉट फिक्स्ड, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। अब यहां क्या लिखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फार अवे, फार अवे, बस इतना, ठीक है। और इसमें लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स एंड द पार्टिकल ऑफ गैस हैव वीक कोहेसिव फोर्स। तो ये डिफरेंस ऐसे ही आपको राइट लिख करना है, मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट जब आप पेपर में लिखेंगे तो उनको अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ, ये तीन डिफरेंस हो गए, हम और करेंगे। अगला डिफरेंस है इनके बीच में कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ना वो बहुत हाई होती है, वेरी हाई डेंसिटी। लिखेंगे कैसे, सॉलिड हैव वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है। फिर लिक्विड की जो डेंसिटी होती है ना वो हाई होती है, और गैस की डेंसिटी जो होती है ये लो होती है। अब मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया डेंसिटी, तो सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो डेंसिटी को डिफाइन किया गया है कि डेंसिटी की डेफिनेशन ये है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब ये क्या मतलब हुआ मास अपॉन में वॉल्यूम का, हमने रट तो लिया मास अपॉन में वॉल्यूम, पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, किसी एक फिक्स वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है वो उसका डेंसिटी होती है, वो उसकी डेंसिटी होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे हाथ में ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये किस चीज का बना हुआ है, तो आप बोलेंगे कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर जो है किस चीज का बना है, ये प्लास्टिक का बना है। तो ये तो प्लास्टिक का बना है, अगर मैं ऐसा ही सेम टू सेम जितनी इसकी मतलब जितना ये लंबा है, जितना इसका रेडियस है, उतना ही बड़ा, उतना एकदम एग्जैक्ट सेम साइज का मैं लोहे का मार्कर ले आऊं, मतलब जिसकी बॉडी जो है मेटल की है, लोहे की है मान लेते हैं, ठीक है, ये तो प्लास्टिक का है। अब ऐसा ही सेम साइज का अगर मैं लोहे का ले आऊं और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन भारी है, कौन सा ज्यादा भारी है, किसका मास ज्यादा है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो आप लोगों का जवाब बहुत ऑब्वियस है कि उस लोहे वाला जो होगा ज्यादा भारी होगा। सीधी सी बात है, ये प्लास्टिक का है और एक चीज लोहे की है, तो लोहे का ज्यादा भारी होगा प्लास्टिक से, ठीक है, लोहा ज्यादा भारी होगा प्लास्टिक से। तो लोहा ज्यादा भारी क्यों है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इस वाले मार्कर का है उतना ही वॉल्यूम दूसरे मार्कर का होगा, पर उस वॉल्यूम में मास किसमें ज्यादा है, जो लोहे का है, और उसमें मास किसमें कम है, जो प्लास्टिक का है। यानी कि वॉल्यूम सेम होने पे अगर मास डिफरेंट होता है तो उस हिसाब से डेंसिटी भी डिफरेंट हो जाती है। यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी का पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो आप खुद सोचें, अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस की, तो मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे पास
एक सॉलिड बॉक्स है, ठीक है, एक सॉलिड छोटा सा क्यूब है, छोटा सा क्यूब, तो उसका मास और उतने ही क्यूब के साइज का मेरे पास लिक्विड है, मतलब आप कोई लिक्विड ले लो और उसका भी उतना ही होना चाहिए वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ठीक है। कि आपने क्या किया, कुछ एक सॉलिड ले लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया कि इसका वॉल्यूम कितना है, और जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड भी आपको लेना है कोई, और उतना ही वॉल्यूम गैस भी आपको लेना है कोई, तो आप बताएंगे कि भाई कौन ज्यादा भारी होगा, किसका ज्यादा मास होगा। तो आप सीधी सी बात है, सॉलिड का हमेशा मास ज्यादा निकलेगा, लिक्विड का उससे कम निकलेगा, और सबसे कम किसका निकलेगा, गैस का, ठीक है। तो कभी भी यही होता है कि डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है वो उसका डेंसिटी होता है। तो हमेशा डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, और गैस की सबसे कम होती है। अब इसमें भी अलग अलग जो मैटर होते हैं उनमें सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। अब सॉलिड में ये नहीं है कि सारे सॉलिड की डेंसिटी एक जैसी होती है, नहीं सब, अब सॉलिड में भी कोई सॉलिड ज्यादा डेंसिटी वाला होता है, कोई डेंसिटी किसी की डेंसिटी कम होती है। अभी हमने बात करी एग्जाम्पल की कि मैंने एक व्हाइट बोर्ड मारकर मैंने प्लास्टिक के बारे में बात करी और दूसरी मैंने लोहे के बारे में बात करी, तो इसी में डिफरेंस आ गया कि प्लास्टिक की डेंसिटी अलग है, लोहे की डेंसिटी अलग है। ऐसे मैं कोई और मेटल ले लेता हूं तो उसमें भी यही बात होगी, ठीक है। आप 10 तरह के मेटल लेंगे ना अलग अलग, एक तरफ आपने आयरन ले लिया, एक तरफ कॉपर ले लिया, एक तरफ आपने मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, और भी बहुत सारे एलिमेंट ले लिया आपने, तो सबकी डेंसिटी अलग होती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हर चीज की डेंसिटी अलग है। वैसे लिक्विड में भी आपने वाटर ले लिया, मिल्क ले लिया, हनी ले लिया, और भी बहुत सारे लिक्विड जितने भी आपको, अल्कोहल ले लिया, आपने जो भी चीज लोगे तो सबकी डेंसिटी जब आप नापोगे तो सबकी डेंसिटी अलग निकलेगी, क्योंकि सबका मास पर यूनिट वॉल्यूम अलग है, ठीक है। तो जनरली जब हम सॉलिड लिक्विड गैस में बांटते हैं तो सबसे ज्यादा हमें सॉलिड की डेंसिटी देखने को मिलती है। अब कई बार कुछ ऐसा भी हो जाता है कि सॉलिड की डेंसिटी ना कुछ लिक्विड से कम हो जाती है, कई बार कुछ लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से ज्यादा निकल आती है, तो ये एक्सेप्शन केस है या एक दो चीजों में अप्लाई होता है, पर जनरली हम जब देखते हैं तो ओवरऑल यही निकल के आता है कि सारे सॉलिड की डेंसिटी जो है वो लगभग सभी लिक्विड से ज्यादा होती है, बाकी जो एक्सेप्शन केस है वो हम अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और सबसे कम डेंसिटी किसके निकल के आती है, गैस की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके बारे में, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी का मतलब भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था डिफ्यूजन के बारे में। अच्छा, डेंसिटी के हिंदी जो होता है घनत्व होता है, हिंदी वाले लिख लेंगे घनत्व, ठीक है, हिंदी वाले डेंसिटी की हिंदी लिख लेंगे घनत्व, और घनत्व का फॉर्मूला जो हो गया, वो होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। बाकी समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग, मैं मिटा रहा हूं। अब डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, कि सबसे कम डिफ्यूजन होता है सॉलिड में, तो डिफ्यूजन इसमें वेरी लो, तो आप लिखेंगे देर इज वेरी लो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, ठीक है, देर इज वेरी लो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड में हमेशा डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। फिर बात करते हैं लिक्विड की, तो इसमें डिफ्यूजन हाई होता है, हाई डिफ्यूजन, यानी उसमें डिफ्यूजन ज्यादा हो सकता है, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में हो सकता है, तो गैस में, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन इसमें क्या होता है, वेरी हाई। अभी हम डिफ्यूजन के बारे में दोबारा पढ़ेंगे तो आप टेंशन ना ले, अभी हम इतने इसमें इतनी ही बात कर रहे हैं, इससे आगे जो है हम अभी डिफ्यूजन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे अभी पूरा टॉपिक हमें डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है, तो फिलहाल मैं इसके बारे में इतना ही बता रहा हूं कि सॉलिड का डिफ्यूजन वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और लिक्विड का डिफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा होता है,
और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका होता है? गैस का। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो या दो से ज्यादा मैटर होते हैं अलग अलग, उनके पार्टिकल आपस में अपने आप मिल जाते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसा कि मैंने बताया था कि हवा के अंदर गैसों का डिफ्यूजन, आपको पता है कि एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं। और ये गैसेज को हमने नहीं मिलाया, ये अपने आप मिली है। तो जब चीजें अपने आप मिल जाती हैं तो उसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन की बात करें तो जैसे आप दूध और पानी को मिला देंगे तो क्या आपको उसे मिलाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो अपने आप मिल जाता है। तो जब चीजें अपने आप मिल जाती हैं उसी चीजों को डिफ्यूजन बोला जाता है। तो यही डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में सबसे कम होता है, कि सॉलिड की चीजें अपने आप आपस में बहुत कम मिलती हैं, ठीक है, लिक्विड थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, और सबसे ज्यादा आपस में क्या चीजें मिलती हैं? गैस। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी और बातें करेंगे, पर वो आगे। अगला डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज कंप्रेशन। तो सॉलिड में कंप्रेशन जो होता है वेरी लो होता है, वेरी लो। लिक्विड में कंप्रेशन लो होता है, और गैस में कंप्रेशन वेरी हाई होता है। अब यहां पे एक नया वर्ड आ गया, कंप्रेशन। हिंदी में कहते हैं इसको संपीड़न। हिंदी में क्या कहते हैं? संपीड़न। तो संपीड़न जो होता है वो भी सॉलिड के अंदर बहुत कम होता है, लिक्विड में भी, लिक्विड में कम होता है, और गैस में बहुत ज्यादा होता है। अब इस कंप्रेशन का मतलब क्या होता है तो मैं वो बता देता हूं, पर इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद और बातें करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये कंप्रेशन का मतलब समझ लीजिए कि कंप्रेशन क्या होता है। तो कंप्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल को पास लाना, प्रेशर डाल के पास लाना, ठीक है ना, टू ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट, ठीक है, कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाने की वजह से जब वो पास पास आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है, कि जैसे आप लोगों ने कंप्रेशन कहाँ देखते हैं? आप लोग कंप्रेशन अपने घरों के LPG सिलेंडर में देखते हैं। आप लोगों के घरों में गैस चूल्हा है, ठीक है ना, जिसपे आप खाना बनाते हैं, तो सिलेंडर जो आपका होता है उसके अंदर LPG गैस भरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि वो जो सिलेंडर होता है उसके अंदर 14 किलो गैस आती है, ठीक है, 14 किलोग्राम, वहां पे लिखा भी होता है सिलेंडर के ऊपर, उसका मास लिखा होता है कि कितने किलोग्राम उसके अंदर गैस है, कितने किलोग्राम की सिलेंडर के, सिलेंडर का वेट है और उसमें कितने किलोग्राम गैस है, सब लिखा होता है, ठीक है। तो अब सोचें कि उस सिलेंडर के अंदर 14 किलोग्राम गैस भर दी जाती है, और अगर मैं कहूं कि आपके कमरे में जो हवा है वो 14 किलोग्राम नहीं है, कि आपके पूरे कमरे में जितनी हवा है वो 14 किलोग्राम नहीं है, पर आप एक सिलेंडर के अंदर देखते तो 14 किलोग्राम गैस है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये गैस बहुत सारी थी, पर हमने इसको, इसके ऊपर प्रेशर डाला। क्या डाला? प्रेशर। प्रेशर डालोगे तो दबेगा, दबते दबते हमने उस चीज को दबा दबा के उस सिलेंडर के अंदर भर दिया। सिलेंडर के अंदर भरने की वजह से, दबा के भरने की वजह से, इसीलिए उसमें प्रेशर होता है। आप कभी सिलेंडर में हल्का सा पिन मारते हो तो बहुत तेजी से गैस निकलती है, कभी आप करके देखना। या आपके घरों में जो परफ्यूम होते हैं, रूम स्प्रे होते हैं, इन सबके अंदर भी गैस जो होती है वो कैसे डाली जाती है? उसके अंदर प्रेशर बनाया जाता है उनका, ठीक है ना, क्योंकि वो गैस है, और उसको कंप्रेस करके उनके अंदर डाला जाता है। तभी जब आप उस पर, जैसे ही आप उसको दबाते हैं तो वो एकदम फाउंटेन की तरह निकलता है, ठीक है। इसका कारण यही होता है कि वो कंप्रेस्ड होता है, अंदर बहुत हाई प्रेशर में कंटेंड होता है, ठीक है ना। अब हम यही बात कर रहे हैं कि कंप्रेशन किसका किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है,
जिसके पार्टिकल दूर होंगे आप उसी को तो पास ला सकते हो। तो यही छह डिफरेंस है, तो मैं फिलहाल अभी इसको मिटा रहा हूं, मैं आपको कंप्रेशन समझा रहा हूं। हां जी, तो आप खुद बताइए कि आप किसको पास ला सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रेशर डाल के पार्टिकल्स को पास लाएंगे। तो भाई किस पार्टिकल को आप पास ला सकते हैं? जो पहले से दूर हो, जो पहले से दूर होंगे उन्हीं को तो पास ला सकते हो ना। बात समझ में आ रही है कि जो पार्टिकल पहले से दूर होंगे आप उन्हीं को पास ला सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि सॉलिड के पार्टिकल पहले से ही बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, ये बात हमने लास्ट क्लास में की है। तो जब उसमें नेग्लिजिबल स्पेस होता है तो जो चीज पहले से ही, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल पहले से ही बहुत पास हैं, इनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस है, तो आप इनको और पास ला सकते हो क्या? तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, कि जो पहले से ही बहुत पास हैं हम उन्हें और पास ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते, या ना के बराबर ला सकते हैं। अगर ला भी सकते हैं तो ना के बराबर। हमने सॉलिड में जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो सब ना के बराबर होता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कंप्रेशन सॉलिड के अंदर नहीं होता। कई लोग बोल देते हैं कि सॉलिड में कंप्रेशन नहीं होता, पर यह बात सच नहीं है। उसमें भी कंप्रेशन होता है पर वो ना के बराबर होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और आप अब एग्जाम में भी जब लिखेंगे तब भी यही बात लिखेंगे, नेग्लिजिबल कंप्रेशन, ठीक है ना, या वेरी लो कंप्रेशन। ये नहीं कि कंप्रेशन होता ही नहीं है। कुछ लोग आपको ये बात जरूर बोलेंगे कि उसमें बिल्कुल कंप्रेशन नहीं होता सॉलिड में, पर आपको बोलना है कि उसमें कंप्रेशन होता है पर वो ना के बराबर होता है। क्यों? अब ना के बराबर क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में ना के बराबर स्पेस है। तो जहां भी हल्की सी भी पॉसिबिलिटी है तो वो चीज हो सकती है। ठीक है, तो ना के बराबर इसमें स्पेस है, इसलिए इसमें ना के सॉलिड में, ये मैंने गैस की तरह बना दिया पर मुझे बनाना यहां चाहिए, मैं इधर बना देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सॉरी, यहां पे कि सॉलिड के बीच में ना के बराबर स्पेस होता है इसलिए इसमें ना के बराबर कंप्रेशन भी हो सकता है। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं तो हम इनको थोड़ा थोड़ा और पास ला सकते हैं कि हल्के फुल्के ये दूर है, पास पास आ जाओ, हल्का सा पास पास आ जाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा पास लाया जा सकता है लिक्विड को, तो यानी कि लिक्विड में कंप्रेशन थोड़ा सा पॉसिबल है। अब गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर, जो बहुत दूर दूर हैं उनको बहुत ज्यादा पास लाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पास लाएंगे तो उस पर प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा पास आएंगे, और पास होंगे आएंगे तो इसका मतलब गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके एक सिलेंडर के अंदर 14 किलो गैस भर दी जाती है, पर आपके पूरे कमरे में भी 14 किलो गैस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे गैस के जो पार्टिकल हैं जो बहुत दूर दूर थे, हमने उनको कंप्रेस किया, दबाया, पास पास लाए, और पास पास ला के हमने सिलेंडर के अंदर भर दिया, इसीलिए वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आपने एक दूसरी गैस का नाम सुना होगा CNG, और जिसकी फुल फॉर्म ही होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो कंप्रेस्ड इसलिए बोला जाता है कि उस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके दबा के सिलेंडर में भर दिया जाता है, इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि संपीड़न यानी कि कंप्रेशन सॉलिड में ना के बराबर होता है पर ना के बराबर होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में। और इसका मतलब क्या है कंप्रेशन का, ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रेशर लगा के पार्टिकल्स ऑफ मैटर को पास पास लाना इज कॉल्ड कंप्रेशन। अगर मैं डेफिनेशन दूं तो द ब्रिंगिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मैटर क्लोज टू ईच अदर By applying pressure on it is called compression. ठीक है, हिंदी में कहें तो किसी पदार्थ के कणों के ऊपर दाब लगाकर उसके कणों को पास पास लाना संपीड़न कहलाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? संपीड़न। तो सबसे ज्यादा संपीड़न यानी compression किस में होता है?
सबसे ज्यादा कंप्रेशन गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम सॉलिड में होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने 6 डिफरेंस लिख लिए थे सॉलिड लिक्विड गैस में, दो और हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, आप कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे आपके पेपर में अगर कभी आता है तो 3 या 4 लिखने के लिए आता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लिखने के लिए कभी नहीं आते, पर मैं आपको 6 बता चुका हूँ और 2 और बताऊँगा लास्ट, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। फिलहाल जो इसका 7वां पॉइंट है वो ये है कि सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड फिल्स, ये भी नहीं करता, डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। पर हम जब बात करते हैं गैस की तो गैस फिल्स इट कंटेनर कंप्लीटली। अब इन बातों का मतलब क्या है? मैंने लिखा कि सॉलिड अपने कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरता, सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड में भी यही लिखा मैंने कि लिक्विड भी अपने कंटेनर को पूरी तरीके से नहीं भरता, पर गैस में लिखा है गैस फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली, गैस अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर देता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर आप किसी कंटेनर में किसी मैटर को रखते हैं, अगर वो सॉलिड या लिक्विड में है, फॉर्म का है, यानी वो सॉलिड है या लिक्विड है, तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना उस ऑब्जेक्ट, उस मैटर का वॉल्यूम है, वो उससे ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। अगर आपका कंटेनर बड़ा है, ठीक है, उस मैटर से, तो वो कंटेनर हमेशा खाली रहेगा, ठीक है। कि मान लो आपने एक बड़े से बक्से में एक छोटी सी चीज़ को रख दिया, सॉलिड को, छोटे से सॉलिड को रख दिया, बड़े से बक्से में छोटे से सॉलिड को रख दिया, तो वो उतनी ही स्पेस घेरेगा, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगा, यानी कि वो अपने कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरेगा, उसका वो उतना ही भरेगा जितना उसका वॉल्यूम है, उस मैटर का जितना वॉल्यूम है वो उसको सिर्फ उतना ही भरेगा, उससे ज़्यादा नहीं भरेगा। सेम टू सेम बात लिक्विड के ऊपर भी आ जाती है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई लिक्विड, अगर आपने 1 लीटर लिक्विड रखा है, अगर आपके मान लो आपके पास बर्तन है 5 लीटर का, और आपने 5 लीटर का बर्तन मतलब उसके वॉल्यूम 5 लीटर मान लो, ठीक है, उसकी कैपेसिटी, और आपने उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, तो वो पानी उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो उसको पूरी तरह से नहीं भर पाएगा, ठीक है। आपका 1 लीटर पानी आपके 5 लीटर कैपेसिटी वाले वेसल को कभी पूरा नहीं भर पाएगा, वो सिर्फ 1 लीटर पे आके रुक जाएगा, बाकी जो हिस्सा है वो खाली रहेगा। पर गैस में क्या होता है, आपके पास थोड़ी सी गैस होती है और वो पूरे, आप जितने बड़े भी वॉल्यूम में डाल दो वो पूरे वॉल्यूम में फैल सकती है। तो अगर आपके पास कोई भी गैस है, आप छोटे से कंटेनर में बंद कर दो, वो उसको भी पूरी तरह से भर देगी, आप उसको कमरे में रख दो तो कमरे में भी पूरे कमरे को भर देगी, ठीक है। जैसे वही अगरबत्ती वाली बात अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि, या परफ्यूम वाली बात, परफ्यूम जब तक उसके बॉटल में है, परफ्यूम की बॉटल के अंदर, तो आप सोचो परफ्यूम की बॉटल इतनी अगर बड़ी है तो वो इतने ही वॉल्यूम में फिक्स है, और जैसे ही आपने उसको अपने बॉडी पे छिड़का तो वो पूरे रूम में फैलने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, गैस छोटे से वॉल्यूम में भी रह सकती है, और अगर आप बड़े वॉल्यूम में डाल देते हो तो वो उसको भी फिल कर देती है। अगर वो जहाँ तक जा पा रही है तो इसका मतलब वो उसको फिल कर रही है। तो इसीलिए हमने लिखा कि सॉलिड अपने कंटेनर को कभी पूरा फिल नहीं कर पाता, लिक्विड अपने कंटेनर को भी पूरा फिल नहीं कर पाता, पर गैस जो होता है वो अपने कंटेनर को पूरा फिल कर देता है। पूरा फिल करने का मतलब वो हर जगह फैल जाता है, ठीक है। लास्ट जो हमें इसमें लिखना है तो वो ये है कि सॉलिड जो होते हैं ये डज नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते,
लिक्विड जो होता है ये फ्लो करता है और गैस जो होता है वो भी फ्लो करता है। ये भी मैंने बताया था आपको, फ्लूडिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है फ्लूडिटी के बारे में, कि जो चीज फ्लो कर सकती है उन्हें हम फ्लूड कहते हैं, और फ्लूड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस दोनों फ्लूड होते हैं। सॉलिड जो होता है वो फ्लूड नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि सॉलिड जो है ये कभी भी फ्लो नहीं करता, पर लिक्विड एंड गैस जो होते हैं ये फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये था इनके बीच का लास्ट डिफरेंस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो मैं कह रहा था कि अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक, मैंने आपको कहा था कि डिफ्यूजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने लगभग सब कुछ डिफ्यूजन के बारे में सीख ही लिया है कि डिफ्यूजन क्या होता है। हिंदी में कहें तो विसरण, मैं हिंदी में भी इसका नाम याद दिला दूं तो इसको विसरण कहते हैं। ठीक है, तो लगभग हमने बातें तो कर ली है डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, पर मैं इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें और बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं दोबारा से इसके डेफिनेशन को रिवाइज कर दूं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिफ्यूजन होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ के कण एक दूसरे में अपने आप मिल जाते हैं तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। अब इसमें मेरे को बताना यह रह गया था कि डिफ्यूजन डिपेंड किन चीजों पर करता है। तो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि डिफ्यूजन जो होता है किस वजह से होता है, यह होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वजह से। ठीक है, यानी कि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा ये क्या होती है। ठीक है, यहां पे हमने एक वर्ड सुना काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। ये आप लोगों ने एनर्जी के बारे में अगर पहले पढ़ा हो, वैसे तो आपके नाइन्थ क्लास में ही टॉपिक है ये, जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर आप एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो किसी के मोशन की वजह से उसमें एनर्जी होती है। ठीक है ना, द एनर्जी पोजेस्ड बाय An object due to its motion is called its kinetic energy. गतिज ऊर्जा, नाम से पता चल रहा है गति के कारण ऊर्जा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जितनी तेज चल रही है, ठीक है, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, कि जैसे हम बात करें कि अगर हमारे पास एक बंदूक की गोली होती है, अगर मान लो है, ठीक है, तो एक बार आप उस गोली को हाथ से फेंक के मारो, ठीक है, और दूसरी बार आप उसको बंदूक के अंदर डाल के आप फायर करो, तो कब उसका इफेक्ट आपको ज्यादा दिखेगा। तो आप बोलेंगे कि जब हम बंदूक में डाल के उसे फायर करते हैं तब। ठीक है, सामने वाले को हम हाथ से फेंक के मार रहे हैं तो उसे कुछ नहीं हो रहा, पर अगर हम उस गोली को अगर बंदूक में डाल के मारें तो शायद सामने वाले के फोटो पे हार चढ़ जाए। तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हाथ से फेंक के, गोली तो वही है पर हम एक बार हाथ से फेंक के मार रहे हैं तो उसे कुछ नहीं हो रहा, दूसरी बार हमने बंदूक में डाल के मारी तो भगवान के पास पहुंच गया। इसका कारण ये है कि उसमें मोशन, उसका कारण क्या है, मोशन। जब आप हाथ से फेंक के मारते हैं बुलेट को तो उसमें इतनी स्पीड नहीं होती, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो वहां तक पहुंचे, मतलब उस उतना इफेक्ट के साथ पहुंचे। ठीक है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी उस टाइम कम होती है, और जब आप बंदूक में डाल के उसे फायर करते हैं तो उसकी उसका मोशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ही वो उस इंसान के बॉडी के अंदर घुस जाती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, कि ऑब्जेक्ट की उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसका काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, देखो यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसी में होगी तभी वो चल फिर पाएगा।
अगर मैं बोलूंगा कि आप में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसका मतलब आप एक जगह पे खड़े हैं, आपके बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रही है, और मैं कह रहा हूं कि आपकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है, तो यानी कि आप चल फिर सकते हैं और आप चल फिर रहे हैं, मोशन हो रही है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो पार्टिकल के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह घूम पाते हैं, और इसी वजह से वो आपस में मिक्स भी हो पाते हैं। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, डिफ्यूजन भी उतना ज्यादा होगा। अब पार्टिकल जितना ज्यादा मोशन करेंगे, उतना ज्यादा आपस में मिल जाएंगे। आप खुद ही सोचो, जब बहुत सारे लोग एक इधर उधर भागेंगे, तभी तो वो आपस में मिक्स होंगे, ठीक है। तो वैसे ही पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स बहुत तेज तेज भागेंगे, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा होती है, डिफ्यूजन उसमें उतना ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा दूर गति नहीं कर सकते, मोशन नहीं कर सकते, ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल है वो मोशन, मैं हमने बात करी थी ना कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसका मतलब यही होता है कि पार्टिकल लगातार गति करते हैं, पर सबसे कम किसके करते हैं? सॉलिड के। उससे ज्यादा किसके करते हैं? लिक्विड के। सबसे ज्यादा किसके करते हैं? गैस के। इसी वजह से डिफ्यूजन भी सबसे कम किसमें होता है? सॉलिड में। उससे ज्यादा किसमें होता है? लिक्विड में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल में मोशन बहुत कम होता है, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए उसमें डिफ्यूजन भी बहुत कम होता है। फिर लिक्विड में थोड़ी ज्यादा मोशन होती है, इस वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इस वजह से उसमें डिफ्यूजन भी थोड़ी ज्यादा। और सबसे ज्यादा मोशन होता है गैस में, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की, वो गैस की होती है, और डिफ्यूजन भी सबसे ज्यादा गैस में ही होती है। एक मैं और बात बता दूं, ये जो मोशन है ये कैसे बढ़ सकता है और कैसे घट सकता है, ठीक है। कैसे डिफ्यूजन बढ़ सकता है और डिफ्यूजन कैसे घट सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि डिफ्यूजन कैसे बढ़ सकता है, तो डिफ्यूजन बढ़ सकता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ना, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप खुद ही सोचो, आप किसी चीज को गर्म करेंगे, आप पानी गर्म करते हैं, मान लो कि आपने पानी गर्म करने के लिए रखा, तो जब पानी ठंडा होता है वो स्टिल होता है, उसके अंदर पार्टिकल मूव करते हैं, पर वो मूव करते हुए दिखाई नहीं देते, वो पानी स्टिल दिखाई देता है। पर जब आप पानी को गर्म करते हैं और पानी उबलने लगता है, तो आप देखते हैं वो ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है ना, उछलने लगता है ऊपर की तरफ। उसका कारण क्या होता है कि जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल इधर उधर भागते हैं, और इधर उधर भागने की वजह से ही वो हमें उछलते हुए दिखाई देते हैं। जब पानी उबलता है तो आपको ऊपर की तरफ ऐसे करता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण यही होता है कि उसके टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और यही कारण है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, ठीक है। आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर सॉलिड का भी डिफ्यूजन बढ़ाना है तो उसको आप गर्म करो, गर्म करोगे सॉलिड तो वो बढ़ेगा और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसमें डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। फिर लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है, आप खुद ही सोचें। वैसे तो ये आगे के टॉपिक में और आने वाली चीज़ें हैं, पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सेकेंड चैप्टर में आने वाला है, पर मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ा सा कि जैसे आप, मैंने बताया था कि एक गिलास पानी लो और उसमें एक चम्मच चीनी डालो तो वो घुल गया, और डालो और घुल जाएगा, और डालो, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब घुलना बंद हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब घुलना बंद हो जाता है कोई चीज़ तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, पर हम उसमें और चीनी घोल सकते हैं, और वो कब घोल सकते हैं? जब हम उसको गर्म करेंगे। अगर आप सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो उसमें आप उसमें और चीनी घोल सकते हैं, और ऐसा क्या हो गया गर्म करने से कि उसमें और घुलने लग गया? तो यही होता है कि जब आप गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल दूर दूर भागते हैं सॉल्यूशन के, और दूर दूर भागने की वजह से उसमें स्पेस बन जाता है, और उसी स्पेस में हम और चीनी घोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि लिक्विड का अगर आपको
बढ़ाना है डिफ्यूजन, तो आप उसको गर्म कर दो। गर्म करेंगे तो पार्टिकल इधर उधर भागेंगे, इनके बीच में और स्पेस बनेगा, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। गैस भी जब गर्म होती है तो उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, जब गैस ठंडी होती है तो उसका डिफ्यूजन कम होता है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा है कि खाना, इसके बारे ऊपर क्वेश्चन भी आपके बुक में, कि जब खाना गर्म होता है तो आपको दूर से उसकी खुशबू आ जाती है। जैसे कि मैं हमने बात करी थी पिछली क्लास में कि अगर आपका कुछ फेवरेट खाना बन रहा है तो आपको जब बन रहा होता है उसी टाइम उसकी खुशबू आ जाती है आपके कमरे में बैठे बैठे। बन रहा होता है किचन में, आपको अपने कमरे में ही पता चल जाता है कि आज कुछ अच्छा बन रहा है। इसका कारण क्या है कि जब खाना बन रहा होता है वो गर्म होता है, उस टाइम गैस पे आप उसको गर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है और वो दूर दूर जाती है। ठीक है, तो दूर तक डिफ्यूज होती है, ज़्यादा डिफ्यूज होती है और आपके नाक तक पहुँच जाती है। पर जब खाना ठंडा हो जाता है, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो दूर तक नहीं जा पाती, और दूर तक ना जाने के पाने की वजह से हमें उसके पास जाना पड़ता है, उसको सूंघना पड़ता है कि उसकी खुशबू कैसी है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब खाना गर्म होता है तो उसकी जो खुशबू होती है दूर तक आती है, और जब ठंडा होता है तो वो पास में ही मतलब हमें उसकी खुशबू लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण ये है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और टेम्परेचर घटाने पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और उसी के साथ डिफ्यूजन भी बढ़ता है और कम हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक आज के लिए पूरा हो गया। कल जो हमें नया टॉपिक पढ़ना है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।